इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन खेले हुए पावर लिफ्टिंग के, मलेशिया से मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, 145 केजी मैंने लिफ्ट किया था और मैंने गोल्ड मेडल किया था, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खबर की हालत में हाँ जी, मेरी तो दरख्वास्त है मरियम नवाज साहिबा से कि अगर उन तक ये वीडियो जाती है वो वीडियो देखती हैं, क्योंकि वो इस तरह बहुत अच्छे पंजाब में काम कर रही हैं, तो मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। और अभी मेरे बाजुओं में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने कंपटीशन दोबारा खेल सकता हूँ और इस मुल्क का नाम जो है वो फिर से रोशन कर सकता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएसडी टीवी और मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान गुजराती। नाज़रीन, रात के तकरीबन एक बज चुका है, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर मुल्तान रोड शाह नूर स्टॉप पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं फूड पांडा के एक वर्कर है, नासिर इनका नाम है, लाहौर से ही इनका ताल्लुक है और मजदूर है। हमने जब रात से इतनी देर तक इन्हें इस तरह मेहनत करते देखा तो मैंने इन्हें रोका कि मैं इनसे, मुझे खुशी हुई कि मजदूरी को इन्होंने जो ना वो अपना दाग नहीं बनने दिया, तो इस हालत में वो मेहनत करना पसंद कर रहे हैं, फेक भी मांग सकते हैं लोग और भी बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन देखिए मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें हर हाजत तफसील पेश करना चाहिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नासिर साहब कितने अच्छे से मतलब के ये मजदूरी की हालत में आप? मुझे 2 साल की एज में पोलियो हुआ था। अच्छा, तो जिसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चल सकता था, तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम जो है वो व्हीलचेयर पे गुजारा है। 4 ऑपरेशन हुए जिसके बाद अल्लाह पाक ने, कितने ऑपरेशन हुए हैं? 4 ऑपरेशन हुए हैं जिसके बाद अल्लाह पाक ने करम किया था कि मैं फिनोसिस के साथ जो है वो चलना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, 4 ऑपरेशन हुए हैं और ये कितने अच्छे से मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं? फूड पांडा चलाते हुए मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा ही हो गया। तो वही तीन रुपया भाई है आपके? हाँ जी हाँ, 3 भाई हैं। 3 भाई वाले सब हैं। हाँ जी, तो क्या वजह है मतलब कि मजदूरी की हालत में आप मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं? टाइम देख ले, इस टाइम क्या हुआ है, रात एक बज गया हुआ है। तो मुल्क के हालात आपको पता है जिस तरह हमारे पाकिस्तान के हालात है, तो मेहनत करनी करनी है, किसी भी हाल में करनी है। अभी आप मुझे बिल्कुल रैंडमली मिले हैं जाते हुए, ऐसे ही बिल्कुल, इससे पहले मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यू हुए हैं। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो आपको भी नहीं पता, मैंने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन खेले हुए पावर लिफ्टिंग के, मलेशिया से मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। 2004 में मैं गया था फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक के, मैं नॉर्मल की ओलंपिक होती है, गोल्ड मेडल से आप? हाँ जी, नॉर्मल की ओलंपिक होती है हमारी, पैरा ओलंपिक होती है। उसके बाद मैंने कोरिया गया, फिर 2007 में एशिया गया, वहाँ पे एशियन गेम में मैंने, मेरा अपना बॉडी वेट जो था वो 58 केजी था और 145 केजी मैंने लिफ्ट किया था और मैंने गोल्ड मेडल किया था, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कबूरी की हालत में? हाँ जी। नाज़रीन सुन रहे हैं, नासिर साहब एक तो इस तरीके से मैं सलाम पेश करता हूँ कि मजदूरी को इन्होंने मजबूरी नहीं बनने दिया, दाग नहीं बनने दिया अपनी लाइफ पे, हिम्मत नहीं हारी और देखे मेहनत मुशक्कत कर रहे। दूसरा आपने सुना कि नासिर साहब ने इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हिम्मत नहीं हारी और वो बता रहे हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नासिर साहब लाहौर के रहायशी हैं, फूड पांडा के वर्कर हैं और रात के पहर तक वो मेहनत कर रहे हैं और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, एक तरफ किन किन खेलों में आप? हमारे कंपटीशन होते थे, हम लोग स्कूल में, हमारा जो स्कूल है वो स्पेशल पर्सन का होता था, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे जिम की एक दो मशीन पड़ी हुई थी, तो हमारे टीचर ने उन्होंने मशवरा दिया कि आप है ना मुकम्मल तौर पे जिम ज्वाइन करो, वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज किया करते थे, तो जिम ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने कंपटीशन खेले, पाकिस्तान में
जितने कंपटीशन होते थे उनमें पार्टिसिपेट किया, नॉर्मल के साथ मैंने हिस्सा लिया है, उन्हें शिकस्त दी है। उसके बाद एबटाबाद में हमारे कंपटीशन होते थे, वहाँ पे मैंने लगातार जो है वो 15 साल फर्स्ट पोजिशन ली हुई है। फिर पूरे पाकिस्तान में से हमारी सिलेक्शन हुई थी, जिसमें से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सिलेक्शन हुई और मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। आप भी हिम्मत नहीं हारी, हम आपको कैमरे के पीछे भी और कैमरे के सामने भी सलाम पेश करते हैं और आपके फ्यूचर के लिए मैं दुआ हूँ। मुझे ये पता है आप भी तो हिम्मत नहीं हारी, तो क्या जो पाकिस्तान के सियासतदान है, हुक्मरान है, जो माजी के हैं, जो मौजूदा है, इन्होंने कभी आपको टच किया? हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कभी मुबारकबाद देने के लिए कॉल नहीं की। अरशद नदीम साहब जिस तरह वो जीते हैं, अपने अभी मुल्क नहीं आए और किस तरह उनका नाम रोशन कर दिया कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, हमारी मेहनत नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होती है। और किस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, हमारी दफ़ा कोई मीडिया का बंदा जो है वो एयरपोर्ट पे नहीं आता, किसी सियासतदान का फोन नहीं आता, कोई ऐसे पाकिस्तान में इतने स्पॉन्सर बैठे हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। लास्ट कंपटीशन मैंने 2010 में खेला था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें भी मैं ही सिलेक्ट हुआ था पाकिस्तान में और वहाँ पे भी मैंने मेडल विन किया था। और उसके बाद भी मैंने जगह जगह पे अपनी सीवी दी थी कि मुझे कम से कम जो है वो एक सरकारी जॉब दी जाए, लेकिन आज तक किसी ने कोई मुझे जॉब नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे अपनी गेम छोड़नी पड़ी है और फर्ज के साथ इतना कुछ काम कर रहा हूँ। और अब इसमें मैं आपके सामने हमारे लिए लम्हा शुक्रिया है, देखते कि कैसा इंसान जो मजदूर तो है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसने इस मजदूरी को दाग नहीं लगने दिया अपनी लाइफ पे, मजबूरी को जो है उसने भीख नहीं मांगना शुरू कर दिया, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए उसने अपनी जिंदगी को खुशगवार जीने का फैसला किया। और देखिए इस नौजवान ने, जैसा कि आपने सुना कि ये भाई नासिर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा इनाम गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके अलावा वो बता रहे हैं कि मैं मुख्तलिफ खेलों में तो ना पोजिशन होल्डर रह चुका हूँ, मैं लेफ्टी होता रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका कहना है कि आज तक मुझे पाकिस्तान में प्रोटोकॉल नहीं मिला, मेरी मेहनत का सिला नहीं मिला, मुझे मेरी कामयाबियों पर, मुझे मेरे हिम्मत ना हारने पर किसी ने शाबाश नहीं दी, किसी ने दाद नहीं दी, किसी ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बिलाहर इंसान है। जैसा कि आपको पता है कि वतन अजीज पाकिस्तान के हालात भी कितने दुश्वार हैं, तो हालात से तंग होकर नौजवान ने तमाम सर अपने चैलेंज को पीछे छोड़ के दो वक्त की रोटी कमाना जरूरी समझा। तभी आप ये देख रहे हैं कि ये दो वक्त की रोटी कमा रहे हैं। अच्छा नासिर भाई, ये बताइएगा मुझे कि आपको मतलब कि अगर स्पोर्ट किया जाए तो फिर मतलब क्या आप कर सकते हैं सब कुछ? मेरी तो दरख्वास्त है मरियम नवाज साहिबा से कि अगर उन तक ये वीडियो जाती है वो वीडियो देखती हैं, क्योंकि वो इस तरह से बहुत अच्छे पंजाब में काम कर रही हैं, तो मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। और अभी मेरे बाजुओं में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने कंपटीशन दोबारा खेल सकता हूँ और इस मुल्क का नाम जो है वो फिर से रोशन कर सकता हूँ। जिससे मैं फर्स्ट टाइम अपने कंपटीशन में गया था, मलेशिया से मैंने गोल्ड मेडल जीता था, तो मेरी उम्र जो है वो उस टाइम 19 साल थी और मुझसे जो बड़ा खिलाड़ी था उसकी उम्र जो है वो 37 साल थी। मेरी क्लास में तकरीबन 15 खिलाड़ी थे जिन्हें मैंने शिकस्त दी, पाकिस्तान का झंडा लहराया। और कितने फख्र की बात होती है कि एक स्पेशल पर्सन की वजह से इस मुल्क का नाम रोशन हो रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान का कौमी तराना भी जलाया जा रहा है, इससे फख्र की बात पाकिस्तानियों के लिए क्या होगी। लेकिन दुख इस चीज़ का, पाकिस्तान से दुख नहीं है, दुख इस चीज़ का, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट आई है कोई मुझे आज तक एक सरकारी जॉब नहीं दे सकती। क्या आपको सरकारी जॉब भी किसी ने नहीं दी? अगर जॉब दी होती तो हो सकता है कि मैं अपने कंपटीशन ना छोड़ता, जिस तरह अरशद नदीम मेडल लेकर आ रहे हैं इसी तरह मैं भी ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स गेम में मेडल लेकर आता पाकिस्तान का नाम। ये मेहनत में कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप?
मैं शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक 10 घंटे 11 घंटे चलाता हूँ। 10 से 11 घंटे मजदूरी की हालत में आप मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का, मेहनत तो करनी है। नाज़रीन सुन रहे हैं कि 10 से 11 घंटे वो कह रहे हैं कि मैं डेली मेहनत करता हूँ, फिर कहीं जाके घर के जो हालात हैं वो चलते हैं, घर के जो रिजक है, जो घर का घर के मामलात हैं वो चलते हैं। अच्छा वैसे आओ अर्न करते हैं, आप कमाते हैं, तो कितनी महंगाई है, पूरे हो जाते हैं मामलात? बस हालात कुछ इस तरह के, जितने आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं, पहले आपने बिल निकालने हैं, पूरे महीने पहले कमाना है, फिर बिल निकालने, फिर आपको पता चलना है कि इस महीने आपने राशन क्या लेकर आना है। तो चाहते हैं शुक्र अल्लाह का, सारे सिलसिले चाहते हैं। नाज़रीन क्या कहा जाए, सोच बहुत ज्यादा के लम्हा कितने है कि हम जिंदा लोग हैं, चासी बटेरे ये ऊपर के लोगों के साइड पे, लेकिन हम जिंदा लोग हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को फेक करें जिनके जिंदा रहने की चासी बहुत कम होता है। क्यों? वो एक तो पहले ही मतलब के मुश्किलात में होते हैं, मुश्किलात से दो-चार होते हैं, ऊपर से जब उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता, उन्हें जब जो ना वो जीने की वो जीना चाह रहे होते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते, तो हम सारी नींद सो रहे होते हैं। और जब इतना ना करें, अपने एक भाई को लंबी और सेहत वाली जिंदगी अदा करें, अल्लाह ताला एक भाई को खुश रखें, कामयाबियां अदा करें, लेकिन जब कोई नाखुशगवार वाकया वाकई में होता है तो अचानक से हम सब की आंखें खुलती हैं और फिर अफसोस 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 की आवाजें आती हैं। इस भाई की जबानी आपने सुने तो वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही मजदूर हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत ना हारते हुए मुख्तलिफ खेलों में मैंने आगे बढ़ा और मैं सिलेक्ट भी होता रहा, मैंने गोल्ड मेडल भी जीता पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज तक मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिला, ना सियासी और समाजी लोगों से किसी ने दाद देना भी गुवारा नहीं किया। ना आपने कहा अफसोस की बात है कि मैंने कितनी दफा मुस्लिम अदवार में जॉब के लिए अप्लाई किया कि मुझे जॉब ही दे दें, एक नौकरी दे दें, एक वो नौकरी नहीं देगी भाई को। अब उन्होंने सीएम पंजाब वजीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है, अपील की है कि हुदारा मेरे हालात पर रहम करें, नवे सानी करें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे अच्छी सी नौकरी दें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने टैलेंट को दोबारा देना वो इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। नाज़रीन अपने मेज़बान निशान गुजराती को दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीएसटी टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद।